आज कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस है। संविधान दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए ये कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ पार्टियों में परिवार का परिवार के लिए परिवार द्वारा सिद्धांत पर काम हो रहा है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान कुछ दलों को अच्छा नहीं लगा। जाहिर तौर पर जिनमें परिवारवाद है, प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए यह सवाल एक बार फिर से शुरू किया कि राजनीति में योग्यता बड़ी है या परिवार। सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल, शिवसेना, डीएमके, इन सभी दलों में एक चीज कॉमन है। जानते हैं वो क्या है? जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनिए। जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों में परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने माना कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कुछ राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। पीएम मोदी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किन किन दलों पर था ये तो सबको पता है। संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवाद की समस्या का जिक्र किया। संसद में पीएम मोदी ने किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को मिर्ची तो लगनी ही थी, लिहाजा कांग्रेस की ओर से सफाई है। सदन के अंदर ये चर्चा होती तो हम सब इसमें शिरकत कर सकते और हमारी संविधान के बारे में हमारी राय भी हम बता सकते, रख सकते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने से अपने ढिडोड़ा पीटने में माहिर है, वो नहीं चाहते थे कि विपक्ष आज की ये शुभ दिन पे शिरकत करे। अगर शिरकत करते तो हमारे खिलाफ गाली गलौज करने की उनको अवसर नहीं मिलता होगा। पीएम मोदी ने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने गांधी परिवार के त्याग को गिना दिया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से आरजेडी भी बौखला गई। आरजेडी ने उल्टा बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कौन है? मेनका गांधी जी, वरुण गांधी जी, वसुंधरा राजे जी के पुत्र, लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री मोदी को शायद पता था कि वो जब संसद के मंच से परिवारवाद का मुद्दा उठाएंगे तो विपक्षी दल उन पर भी उंगली उठाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से पीएम मोदी ने संसद से ही देश को परिवारवाद और पारिवारिक पार्टी का अंतर भी समझाया। और जब मैं ये कहता हूँ कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूँ कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं। योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अलग अलग मंच से परिवारवाद का मुद्दा उठाते रहे हैं। पीएम मोदी के बयान का समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है। परिवारवाद आज एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति का कड़वा सच है।
कई राजनीतिक दलों में अध्यक्ष पद का चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए होता है, जबकि सबको मालूम होता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। यही नहीं, जब सत्ता में बैठने की बात होती है तब भी परिवार का शख्स ही सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठना चाहता है। और इन्हीं सब बातों का संकेतों में एक तरह से हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस के अवसर पर लोगों से अपील की है कि वे परिवारवाद के प्रति जागरूक रहें। इस मामले में सवाल तो सीधे सीधे जनता से ही बनता है, क्योंकि वो चाहे तो परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर दे या फिर यूं ही चलने दे। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा कि उसने आजादी के लिए क्या किया है। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे की मद्देनजर एक सदन बुला लेते, हम सब इसमें भाग लेते। अगले तारीख से सरकार कम से कम अगले साल से इसी दिन सदन बुलाए, क्योंकि सदन के अंदर इस विषय पे पहले भी चर्चा हुई थी। और हमें ये सरकार की इस तरीके की अकेला सारे कुछ करेंगे, बाकी किसी को हम साथ में नहीं लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन उनके अकेले नहीं है, सबका कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे हिंदुस्तानियों का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के दिन सिर्फ उन्हीं को कहना है, ज्ञान उन्हीं को देना है, हमें कुछ कहने का मौका नहीं है। अगर ये पोडियम पे कौन बैठेगा, कौन भाषण देगा, आप तय करो। वहां हम सिर्फ दर्शक बन के जाऊंगा, इसलिए पिछले बार भी हम लोग अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने, अंबेडकर जी की मूर्ति की पाताले हम सब विपक्षी पार्टी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन की हम प्रियम्बल को पढ़ा था, आप याद की। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला लेने कोई नहीं जानता। हम आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको, संविधान दिवस की शुभकामनाएं बधाई देता हूं मैं आपको, और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवारवाद का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के इस बयान की हकीकत आज आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल परिवारवाद की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं, आगे उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ही इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं पीडीपी पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद चलाते थे, अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती चलाती हैं। पंजाब में अकाली दल को प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल चला रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहले मुलायम सिंह यादव थे और अब उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। बिहार की बात करें तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव हैं, लेकिन पार्टी में अगला नंबर उनके बेटे तेजस्वी का है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले शिबू सोरेन चलाते थे, अब हेमंत सोरेन चलाते हैं। महाराष्ट्र का रुख करें, शिवसेना को पहले बाला साहब ठाकरे चला रहे थे। तो हम आपको उन राजनीतिक दलों का कच्चा चिट्ठा दिखा रहे हैं जिनकी तरफ प्रधानमंत्री का इशारा था परिवारवाद को लेकर। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रहार किया है और विपक्ष की तुलना भस्मासुर से की है। उन्होंने कहा जनता जिताती है और फिर ये जनता को लूटते हैं, हमें भस्मासुर पैदा नहीं होने देने। याद रखना, आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी। भस्मासुर भगवान शिव से आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन बाद में भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए वह उतावला हो गया। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर से कम नहीं होते हैं। वह भस्मासुर बनकर के जिस जनता के द्वारा चुना जाता है उसी को फिर वह भस्म करने को उतारू हो जाते हैं, उसी को निगलने के लिए, उसी की योजनाओं को हड़पने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए किसी भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना।
और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले समाजवादी पार्टी पहली बार दलित वोट बैंक को साथ लाने के लिए काम कर रही है। बीते कुछ महीनों में बीएसपी के कई विधायक समाजवादी पार्टी के साथ भी आए हैं। हालात ये हैं कि अब बीएसपी में सिर्फ 5 विधायक बचे हैं, और इतना ही नहीं, अब तो अखिलेश यादव ने यह कहकर मायावती की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि अंबेडकरवादी और समाजवादी एक साथ हैं। अखिलेश का टारगेट दलित वोट बैंक, मायावती के पास 19 में से बचे सिर्फ 5। संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित नेता सावित्री बाई फुले के साथ मंच साझा किया। सावित्री बाई फुले ने 2019 में बीजेपी छोड़ दी थी और दलितों के मुद्दे उठा रही थी। अखिलेश यादव के साथ मंच पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर भी थे। इसी मंच पर बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की बहन भी मौजूद थी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 3-3 बड़े दलित नेताओं के साथ मंच साझा करने के बाद अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया जिसने बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बेचैनी बढ़ा दी होगी। हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं, और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। दरअसल अखिलेश की नजर अब मायावती की ताकत रहे दलित वोट बैंक पर अटकी है। इसके लिए अखिलेश यादव एक एक कर बीएसपी विधायकों और नेताओं को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई दलित चेहरे एसपी में शामिल हुए। इनमें इंद्रजीत सरोज, आर के चौधरी, सीएल वर्मा, गयादीन अनुरागी, त्रिभुवन दत्त, के गौतम, योगेश वर्मा, जितेंद्र कुमार, राहुल भारती और तिलक चंद अहिरवार हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती साथ आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें करारी हार मिली जिसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। मायावती ने गठबंधन तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा था। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने उस वक्त से ये सोच लिया था कि वो बीएसपी को तोड़कर ही दम लेंगे। मायावती की पार्टी में टूट से हालात ये हैं कि 2017 विधानसभा में जिस बीएसपी के पास कुल 19 विधायक थे, उनकी संख्या अब घटकर सिर्फ 5 रह गई है। बीएसपी के ज्यादातर विधायक एसपी में ही गए हैं। दलित वोटरों को रिझाने के लिए अखिलेश ने पिछले कुछ दिनों में कुछ और भी कदम उठाए हैं। पहली बार समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी का गठन किया। एसपी के फ्रंटल संगठन में अब बाबा साहेब वाहिनी भी जुड़ चुका है। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से उनकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मालूम है, ये बड़े होते नेता और कुछ जनाधार होता तो मैं उनको निकालती क्यों, वो तो निकाले हुए लोग हैं। और अब बीएसपी में ये मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देना चाहती हूँ, जिसको भी मैं निकालती हूँ वो अकेला जाता है, उसके साथ में बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में लगभग 21% दलित वोट बैंक है, जिसमें से 12-13% वोट बैंक मायावती के साथ मजबूती से जुड़ा है। बाकी 8-9% वोट में बंटवारा होता है। इस बार ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव मायावती के मूल वोट में सेंध लगाने की पूरी कोशिश में लग गए हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।